हाय उत्सव, वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स। हेलो अयास, नहीं मतलब मिलके काफी अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ उत्सव, सबसे पहले रिश्तेदारों वाला सवाल आपसे करूंगा। मतलब आप एक यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, ये तो मैं पता है, लेकिन काम क्या करते हो यार? यार, जो काम अभी आप देख रहे हो ना यार, वही काम है। थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना लेते हैं, बस यही है। अच्छा, तो इस वीडियो वगैरह बनाने में यूट्यूब के लिए मतलब खर्चा पानी चल जाता है क्या? कितना कमा हाँ लेते हो? मतलब दाल रोटी हो जाती है, इतना बता सकता हूँ। मतलब दाल रोटी कमाई नहीं क्या नहीं बताओगे खा अपनी? सकते, बस इतनी कमाई है कि एक आईफोन ले सकते हैं, यही हिसाब है ओके, यहाँ पे। हाँ उत्सव, जोक्स अपार्ट, अभी आपसे ये जानूंगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मतलब एज ए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कैसे स्टार्ट किया? कितना मुश्किल होता है कि आगे? देखो, शुरुआत तो ये थी यार, ये टाइम पास से शुरू किया था क्योंकि करने को अच्छा, कुछ था नहीं, तो टाइम पास के रूप में शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वाला फील्ड इंटरेस्टिंग लगता था, और ये लगा कि कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो लोगों को शायद जानने में मजा आए। तो हाउ हार्ड इट इज कि कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्टिंग में कभी ऐसा फेज आपके पास आया, इतना वक्त आपको हो गया, आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कि आपको लगाओ कि यार मतलब अभी छोड़ते हैं यार, नहीं हो पा रहा है? नहीं मतलब ऐसा फेज आता नहीं कि मतलब बिल्कुल ही छोड़ देते, बस ऐसा फेज आता है कि चलो अभी बहुत ज्यादा बना लिए, थोड़ा सा ब्रेक लेते, फिर वापस आते, बीच में ब्रेक लेते, फिर आते हैं। और ऐसे काम करते जो थोड़ा यूनिकली स्टाइल्ड हो, मतलब कि प्रॉपरली अपने आपको बर्नआउट नहीं करना है, अपने आपको धीरे धीरे लेवल अप करना है। ओके, तो आपके व्यूज बड़े अच्छे आते हैं, मैंने देखा आपका यूट्यूब, ऑफ कोर्स लोग भी देखते हैं, तो कोई व्यूज बढ़ाने का कोई हैक है? हमारे व्यूज को बताएंगे जो बडिंग यूट्यूबर्स हैं, कि वो हैक अप्लाई करें और फिर नंबर्स आ जाएं? सिर्फ एक ही तरीका है, लोग कहते हैं YouTube एल्गोरिदम की बात करते हैं, मेरे सच? हिसाब से YouTube एल्गोरिदम है ऑडियंस। आप ऑडियंस के लिए अच्छा वीडियो बनाओ, आपका वीडियो आज नहीं, कल कल नहीं, परसों, 6 महीने बाद चल सकता है। YouTube सपोर्ट करता है अच्छे वीडियो को, आप अच्छी वीडियो बनाओ। ये नहीं कि आप क्वालिटी अच्छी करो, क्वालिटी ऑडियो वीडियो के साथ साथ जो कॉन्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर उससे किसी भी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना YouTube, वो उसके अंदर वायरलिटी या फिर ज्यादा व्यूज आने के चांसेस है। उत्सव, एक चीज और मैंने देखी है, नोटिस की है, सब नोटिस कर रहे हैं कि कुछ स्मार्टफोन कंपनियां आजकल ऐसे क्या काम करती हैं कि 3-4 कंपनियां इकट्ठी रहती हैं, अपने सब ब्रांड लॉन्च कर देती हैं, और उसमें एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, फिर उसी के जैसा दूसरी कंपनी लॉन्च कर दी, ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स वहां पे रखे, हल्का सा माइनर चेंज कर दिया, फिर तीसरी कंपनी उन्हीं की कंपनी, फिर हल्का सा स्पेक्स चेंज कर दिया, वही फोन रख दिया, तो ऐसे कस्टमर्स का बेवकूफ बनाते हैं, तो उसपे क्या कहोगे? देखो सिंपल सी बात है, जब कोई भी कंपनी ऐसा करती है ना, तो ये देखना चाहिए कि वो फोन का अवेलेबल क्या करवा रही है। कई बार मैंने देखा है ऑनलाइन फोन एक ब्रांड लॉन्च करता है, उसी का सब ब्रांड ऑफलाइन में वो फोन को लॉन्च कर देता है। जबकि मतलब सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन जनता लेगी उसको, हम ये बेच रहे हैं, ऑफलाइन में बेच रहे हैं तो हम ये बेच रहे हैं। अब कंपनी का सिंपल सी बात ये कि अगर एक मोबाइल फोन एक जगह नहीं चलाना, उसे हम दूसरे ब्रांड का यूज करके दूसरी जगह तो बेच ही सकते हैं। फाइन, उत्सव, कोई चैलेंज जो अभी तक आपने बड़ा चैलेंज फेस किया हो यूट्यूब ऑडियंस बिल्ड करने में? चैलेंज तो ऐसा कोई खास फेस नहीं किया, बस मैंने ये रखा कि वीडियोस बनाते जाओ, लोग धीरे धीरे आपसे यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे आपको छोड़कर भी जाते हैं और कुछ लोग नए भी आपसे जुड़ते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है ना, वो रहता है कि जो करंट में लोग हैं ना, उन्हें यहाँ पे बांधे रखना। उत्सव, आपकी टेक इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी, कोई ऐसा ट्रेंड बताएं आप, टेक ट्रेंड जो आपको लगाओ कि यार ये एज एक्सपेक्टेड टेक ऑफ नहीं किया, इस ट्रेंड ने बहुत जल्दी फेल हो गया? ओके श्योर, मेरे को लगता है पॉपअप कैमरा 2019 में पॉपअप कैमरास ने एंट्री ली थी, स्लाइडिंग कैमरास थे और फोन देखने में बहुत जबरदस्त लगते थे। लेकिन 2019 के बाद 2020 आ गया और अभी 2023 है, ये ट्रेंड इतना ज्यादा पिकअप नहीं कर पाया। ऑब्वियसली इसके अंदर मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस है, लेकिन इस ट्रेंड का यूज करके आप ट्रूली बेजललेस एक्सपीरियंस यूज कर सकते थे। मतलब आज भी मैं अगर मैं 2019 के कुछ फोन्स को उठाऊं, वो आज के फोन से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। ये आप खुद देखिए। ओके, एक टेक आइटम जिसके बिना आप सोचते हो कि यार मैं नहीं जी पाऊँ? लैपटॉप लैपटॉप। ओके, ग्रेट, सारा काम उधर ही है, सब पैसे वहीं से आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट ओवररेटेड टेक ट्रेंड अब तक का? मेरे हिसाब से फास्ट चार्जिंग। यार कंपनी ने जिस तरीके से 100 वॉट तक लाई, वो समझ में आता है, लेकिन 120, 150, 180, 200, अब तो 240 वॉट और इसके ऊपर भी जा रही है यार, उतने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब पता, सीरियसली जरूरत है यहाँ पे बैटरी केमिस्ट्री को चेंज करने की और बड़े बैटरी बैकअप की। फास्ट चार्जिंग का यार गिमिक लगता है अब तो। ओके, एक टेक स्किल जो आप अभी भी चाहते हो और इसको मैं मास्टर कर लूं, बस ये मेरा ना जादू की छड़ी है। स्किल कोई जॉब मतलब मास्टर कर लो यार, एआई टूल्स के ऊपर, जितने भी एआई टूल्स हैं मार्केट में, सबकी नॉलेज आ जाए, कैसे सीखते ताकि सारा काम ऑटोमेटेड हो जाए। ओके, फ्यूचर टेक, एक फ्यूचर टेक जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? बेसिकली फ्यूचर में तो मैं एक्साइटेड हूँ, ऑब्वियसली जो अपकमिंग एप्पल का विजन प्रो आ रहा है उसके लिए, जो एआर टेक्नोलॉजी है, जो वेरिएबल टेक्नोलॉजी आ रही है अब उसके लिए, कि आखिर वेरिएबल में हम क्या चीजें फ्यूचर में यूज करेंगे, क्या वो कोई ग्लास होगा, कोई एआई पिन होगी कि क्या होगा,
वो चीजें थोड़ा सा एक्साइट करते कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व करेगी।